हेलो गाइस, वेलकम टू अचीव आईएएस। माय नेम इज़ आयुष मेथी। इस वीडियो में हम द हिंदू एडिटोरियल 5 अप्रैल 2020 का डिस्कस करेंगे। संडे का पेज है, संडे का एक्सप्लेन पेज है, काफ़ी अच्छे आर्टिकल है। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले आर्टिकल से। हाउ लॉन्ग डज सार्स कोव टू स्टे पोटेंट। देखो ये आर्टिकल हमें पूरा पढ़ना नहीं, इस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि सार्स जो कोव टू वायरस है, जिसकी वजह से कोविड-19 बीमारी होती है, वो सार्स कोव टू वायरस कितने दिन तक किसी जगह पर रहता है। तो चलिए एक बार थोड़ा सा डाटा ले लेते हैं, क्योंकि देखो ऐसे तो एग्ज़ाम में आएगा नहीं, लेकिन फिर भी आपकी समझ बढ़ाने के लिए ज़रूरी है। तो आप देखोगे जो एरोसोल्स होते हैं, सॉलिड पार्टिकल जो होते हैं, 3 घंटे तक उन पे रहता है, 4 घंटे तक कॉपर पे रहता है, कार्डबोर्ड पे जो है 24 घंटे तक रहता है, और सबसे ज़्यादा 2 या 3 दिन तक प्लास्टिक और स्टेनलेस स्टील पे ही रहता है। तो अगर देखा जाए तो अलग अलग मटेरियल पे, अलग अलग मैटर में, ये अलग अलग टाइम पे डिपेंड करता है, और क्या माहौल है उस पे भी डिपेंड करता है कि भाई क्या माहौल है, किस एनवायरनमेंट है, ये सारी चीज़ें होती है। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, जो क्रूज शिप था डायमंड प्रिंसेस, जिसको पूरा क्वारंटाइन कर लिया, जिसमें सारे पैसेंजर्स को इन्फेक्ट हो कर दिया गया था इस वायरस के द्वारा, तो 3700 जो पैसेंजर्स थे जिनको क्वारंटाइन कर दिया था, उसमें पता चला कि जो केबिन्स थी जहाँ पे ये लोग रहे थे, उनकी सरफेसेस पे वायरस इन्फेक्टेड था, जिंदा था, 17 दिन तक था जब पैसेंजर चले गए थे ना, उसके बाद 17 दिन तक था, और फिर डिसइन्फेक्शन प्रोसीजर शुरू हो गया, वो जो है छिड़काव वगैरह शुरू हो गया उसको हटाने का, लेकिन फिर भी 17 दिन तक वो जिंदा रहा। अब ये बात तो सिद्ध है कि 17 दिन तक वो जो है यहाँ पे रहा, लेकिन ये बात प्रूव नहीं है। डाटा को आप इस यूज में या इस सबूत के तौर पर नहीं ले सकते कि इस वायरस जो कि सरफेस पे है उससे आपको वायरस हो जाएगा, कि ये लोगों को जो है इन्फेक्ट कर देगा, ये चीज़ जो है अभी तक प्रूव नहीं हुई है। लेकिन फिर भी रिस्क क्यों ले, तो इसको जो है सिर्फ जो भी जहाँ भी वायरस की दिखा उसको छिड़काव करके हटा दिया गया। साइंटिस्ट ये देख रहे हैं कि वायरस की डीके रेट क्या है वेरियस सर्फेसिस पर, कितने समय तक वे वहाँ पे कैपेबल रहते हैं कि वो इन्फेक्शन फैला देंगे। अब आपको बताया, देखो एक तो बैक्टीरिया और वायरस में क्या अंतर होता है, सबसे बड़ा अंतर तो ये है कि बैक्टीरिया जो है वो नॉन लिविंग होता है, और सॉरी बैक्टीरिया लिविंग होता है और वायरस जो है वो नॉन लिविंग और लिविंग होता है, डिपेंड करता है। बैक्टीरिया तो लिविंग होता है, बैक्टीरिया बड़ा होता है वायरस से। देखो वायरस नॉन लिविंग लिविंग कैसे बोल रहा हूँ मैं, देखो वायरस को अगर होस्ट मिल जाए, कोई अगर ऐसी चीज़ मिल जाए जिस पर जिंदा रह सके, जैसे ह्यूमन बॉडी, तो वो कई सालों तक उस पर जिंदा रह सकता है, जबकि उसको मिलता रहेगा खाना पीना, जब तक उसको होस्ट मिलता रहेगा तब तक वो जिंदा रहेगा, वायरस को क्या दिक्कत आ रही है। तो डिपेंड करता है, अभी सर्फेसेस जिसकी हम बात कर रहे हैं वैसे तो इन पे वो होस्ट नहीं कर सकता, मल्टीप्लाई नहीं कर सकता खुद को, क्योंकि वो जीवित नहीं रह पाएगा, लेकिन कुछ दिन तक जब तक वो वहाँ पे है तो वो है तो नॉन लिविंग, लेकिन किसी के अगर किसी ने छू लिया उस सर्फेस को, तो वहाँ से अगर उसके हाथों में आ गया तो फिर वो वायरस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कैपेबल जो है वो होस्ट के आने पे ही होता है ये मल्टीप्लाई करने का, ऐसे तो ये इन्फेक्शन के चांसेस पूरे पूरे रहते हैं अगर सर्फेसेस में रहता है तो, इसलिए जो है सर्फेसेस को साफ़ करना ज़रूरी है। हालांकि WHO ने जो है एक बार कहा था, एक डर फैल रहा था कि न्यूज़पेपर से थोड़े ही होएगा, लेकिन WHO ने क्लियर किया कि देखो कमर्शियल गुड्स की जो एक रिस्क रेट है कि कितना ज़्यादा इससे जो है ये वायरस फैल सकता है, ये बहुत कम है, और जो ऐसे पैकेज जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, जो डिफरेंट कंडीशन में एक्सपोज होते हैं, जो मूव करते हैं, उनमें भी जो है काफ़ी कम चांसेस, इसलिए न्यूज़पेपर में होने में काफ़ी कम चांसेस हैं। हालांकि हम जो है ये चीज़ न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं तो हो सकता है जो उसके फेवर में कुछ बात बोले, लेकिन फिर भी इंटरनेशनल न्यूज़ मीडिया एसोसिएशन ने कहा है कि ऐसा कभी भी डॉक्यूमेंट नहीं किया गया, ना ऐसा इसका कोई सबूत है कि न्यूज़पेपर, प्रिंट मैगजीन या प्रिंट पैकेज से कोई भी वायरस फैला हो। एक जो गुड न्यूज़ साइंटिस्ट वगैरह कह रहे हैं कि वायरसेस जो है वो खुद से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, उनको होस्ट चाहिए। तो जैसे एक एक इंसान को जो है एक जैसे मादा को नर चाहिए, वैसे एक तरीके से वायरस को होस्ट चाहिए। तो जो सरफेसेस हैं अगर उनको डिसइंफेक्ट कर दें अपन, और साथ ही साथ हाथ धोएं, खुद के फेस को टच करने से रुकें, लोगों के साथ कम से कम रहें जो बीमार हैं, तो इससे इन्फेक्शन कैचिंग करने की जो पावर, ये जो चांसेस हैं कम्युनिटी में, ये बेहद कम हो जाएगा।
और सरफेसेस जो हैं वो भी रीइन्फेक्ट नहीं होगी। डिसइन्फेक्शन जो अगर आप देखोगे तो अगर डिसइन्फेक्शन का मतलब क्या होता है कि जिस सरफेसेस पे इन्फेक्शन है उसको कुछ छिड़काव करके केमिकल्स का उनको डिसइन्फेक्ट कर दो। अब वो केमिकल मुझे याद नहीं आ रहा, सोडियम कुछ पता नहीं कौन सा था, मैंने पढ़ा था, अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे होंगे तो आपको पता होगा, मैं आपको फिर भी टेलीग्राम पे बता दूंगा एक बार पोस्ट डाल के। हाँ, हाइपोक्लोराइड जो सॉल्यूशन है, ये नाम जो दिया जा रहा है, ये एक इफेक्टिव डिसइन्फेक्ट है। ऐसे कई तरह के हैं, तो मासिव डिसइन्फेक्ट जरूरी है क्योंकि पब्लिक प्लेसेस जो हैं इन्फेक्ट हो चुकी हैं। और अगर आप सोच देखो, कई सारे लोग होते हैं जो खुले में छींक देते हैं, खांस देते हैं, हाथ रख देते हैं, जगह जगह थूक देते हैं, ऐसे वो गुटखा उटका खा के हैं, गंदी गंदी हरकतें कर देते हैं, तो ये जो चीज़ें हैं इनसे भी काफ़ी ज़्यादा वायरस फैलने की संभावना है और उन पर ही जो है लोग आके टच कर देते हैं। तो फ्लोर्स, वॉल्स और सरफेसेस जिन पे लोग ज़्यादा टच करते हैं उनको डिसइन्फेक्ट किया जाए, जैसे आपकी सीढ़ियाँ हो गई, स्टेयर केसेस हो गए, एलिवेटर हो गए, आपका जो मॉल्स वगैरह में बिल्डिंग्स में लगाए जाते हैं, वो मॉल्स वगैरह में डोर हैंडल जो साकल वगैरह जो होती है, कुंदी जिसको कहते हैं, चेयर वगैरह, आम जो चेयर पे आप जो हाथ रखते हो ना, एक आर्म रेस्ट होती है, टेबल सर्फेसिस पे, इन सबको जो है डिसइन्फेक्ट करना पड़ेगा। अब देखो, ये डिपेंड करता है इन्वायरमेंट कैसा है, किस तरीके से, तभी जाके जो है कुछ हो सकता है। और लोगों को तो साफ मना कर रखा है ना, बाहर जाओ, हाथ धो, किसी से मत मिलो, तो लोग तो ये कर सकते हैं, बाकी सर्फेसिस को डिसइन्फेक्ट करने का काम सरकार का है। घर के अंदर भी आप जो है कोशिश ये कीजिए कि अगर आपके पास सैनिटाइज़र है तो साकल वगैरह जो कुंदी है उनमें जो है उसका थोड़ा सा छिड़काव कर दें, उसको साफ कर दें। बाउंटी फ्रॉम ऑयल प्लंज, देखो बात यह है कि इस आर्टिकल में, एक तो मैं आपको बता दूं कि ऑयल की जो न्यूज़ है वो काफ़ी ज़्यादा आ रही है, क्योंकि ऑयल की जो सप्लाई है वो गिराने की बात चल रही है ओपेक के द्वारा, जिसको रशिया मान नहीं रहा था, क्योंकि अगर हो जाएगा ऐसा तो अमेरिका जो है वो गैप जो आया वो कवर कर लेगा मार्केट का। हालांकि जो मैं इस आर्टिकल में आपको नई बात बताने जा रहा हूँ वो है कि क्रूड ऑयल कितने तरह के होते हैं। इस वीडियो में उसको समझाना बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मैं डाल दूंगा कि क्रूड ऑयल कितने तरह के होते हैं। ऐसे तो टोटली 160 होते हैं, और जैसे आपने नाम सुना होगा ब्रेंट क्रूड, WI क्रूड, दुबई क्रूड, ये जो ऑयल है ये अलग अलग तरह के होते हैं। फॉर एग्जांपल WTI जो क्रूड है ये USA की जो लोकेशन उसके आसपास से निकलता है, ठीक है। अब इसलिए इसको WTI वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट गुड क्रूड ऑयल इसको बोलते हैं। ब्रेंट क्रूड जो है वो UK की जो लोकेशन है नॉर्थ सी, वहाँ से निकलता है। तो अलग अलग तरह की क्रूड ऑयल होती है, डिपेंड करता है लोकेशन क्या है, कितनी क्वालिटी है। जैसे देखो WTI क्रूड और ब्रेंट क्रूड की क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इनको रिफाइन करने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। और मैं अगर दुबई ऑयल की बात करूँ, दुबई वहाँ पे जो क्रूड ऑयल निकलता है उनको रिफाइन बहुत अच्छे से करना पड़ता है, हर जगह यूज में नहीं ले सकते, उसको पेट्रोल डीजल में कन्वर्ट करने में काफ़ी समय लग जाता है, पैसा लग जाता है, तो लोग जो हैं WTI क्रूड और ब्रेंट क्रूड ऑयल को प्रेफर करते हैं। और ऑफकोर्स जिस चीज़ में क्वालिटी होगी वो महंगा भी होगा, ऊपर भी होगा। तो 160 जो बेंचमार्क प्राइसेस हैं WTI ब्रेंट क्रूड और दुबई ऑयल की जैसी, उनमें टॉप नंबर पर WTI ब्रेड जो है ब्रेंड क्रूड आता है। इनके बारे में और भी डिटेल जो है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, नोट कर लीजिएगा, आपके लिए फायदे की बात होगी। बाउंटी फ्रॉम ऑयल पंच, बात हो रही है कि तेल की प्राइसेस गिर गई, फिर हमारे देश में एक्साइज ड्यूटी क्यों लगाई जा रही है? अभी भी जो है हमको तेल के प्राइसेस उतने ही क्यों मिल रहे हैं जितने पहले मिल रहे थे? सरकार ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ा क्यों दी? जैसे मान लो अगर 10, अभी मैं एग्जांपल बताऊं, जैसे 20 बैरल पर डॉलर अगर आ रहा है तेल, पहले 100 था, तो सरकार को उस हमको भी उस हिसाब से 5 गुना कम रेट में मिलना चाहिए, लेकिन मिल नहीं रहा क्योंकि सरकार ने जो एक्साइज ड्यूटी इतनी लगा दी कि हमारे लिए अभी भी उस $100 का ही मिल रहा है, समझ रहे हो? जरूरी है, सरकार के पास पैसा आता है एक्साइज ड्यूटी लगाती है, और पैसा क्यों आएगा, जरूरी क्यों है? क्योंकि सरकार आगे जाके खर्चा करेगी, इस मुसीबत के टाइम में जरूरी भी है। डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से बात की, और इन्होंने कहा कि ब्रेंट क्रूड प्राइसेस जो हैं वो डिक्लाइन हो रही हैं, तो 18 साल से बिल्कुल कम पहुंच गई हैं। और इन्होंने कहा कि वेस्ट एशियन जो किंगडम है और रशिया जो है ये जल्द ही प्रोडक्शन कट कर देंगे, हालांकि एग्रीमेंट बाद में बना नहीं, रशिया सऊदी अरेबिया में लड़ाई हो गई, दोनों लड़ने लग गए। खैर, अब जो है बात बनने के चांसेस हैं, देखते हैं क्या होता है। ट्रंप को आगे आना पड़ेगा, समझौता करना पड़ेगा, क्योंकि जरूरी है, जरूरी इसलिए है। देखो, एक तो ये जो आर्टिकल है पूरा पढ़ना जरूरी नहीं है, मैं आपको ऊपर ऊपर से जो है बता देता हूँ। सबसे पहले तो
इंडियन ऑयल प्राइसेस को जो है यहाँ पे एक्साइज ड्यूटी इसलिए लगाई जा रही है ताकि कोई भी दिक्कत यहाँ पे इनको ना हो सरकार को पैसा इकट्ठा करने में। सरकार ने ऑलरेडी कॉर्पोरेट टैक्स कम कर दिया, इनकम टैक्स में स्लैब में चेंजेस कर दिए, और ये सब करने के बाद सरकार के पास पैसा बचा नहीं, और इस मुसीबत के समय आगे आने वाले टाइम पे हमको जो है पैसा खर्च करना पड़ेगा, इसलिए सरकार ने एक्साइज ड्यूटी जो है लगाई है। अच्छा, दूसरी बात मैं ये करूँ कि एक तो ये तेल की प्राइसेस कैसे डिटरमाइन होती है, ध्यान से समझ लो, ओपेक डिसाइड करता है मिलकर, ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, और दूसरा डिपेंड करता है सप्लाई और डिमांड पे। भाई ओपेक कंट्रीज मिलकर डिसाइड कर दें कि यार तेल की प्राइसेस हमको जो है ज़्यादा पैसा कमाना है तो तेल की सप्लाई कम कर दो, सप्लाई कम होगी किसी चीज़ की डिमांड बढ़ जाएगी और प्राइसेस बढ़ जाएंगी, तो या तो ओपेक डिसाइड कर दे या इन कंडीशन ऐसी बन जाए कि अपने आप जो है वो डिमांड कम हो जाए, जैसे कि कोविड-19 चाइना ने डिमांड कम कर दी, 1/3 जो है उसका कंजप्शन कम हो गया। तो डिमांड जब कम हुई, सप्लाई अगर ज़्यादा है, भाई मैं किसी चीज़ को मांग ही नहीं रहा और तुम ज़बरदस्ती अगर दे रहे हो तो या तो तुमको कम में देना पड़ेगा वो पैसे में, मैं ले ही नहीं रहा, तुम कहोगे यार चलो कम कर लेते हैं प्राइसेस, तो ऐसे जो है ऑयल की प्राइसेस कम हो गई। अब सऊदी अरेबिया तो लीडर है इस चीज़ में, सऊदी अरेबिया का तो काम धंधा ही है, तो वो तो कितनी भी कम कर देगा, कुछ समय तक लो झेल लेगा। भाई अगर सप्लाई अगर सऊदी अरेबिया कम कर देगा और सप्लाई की अगर जगह यूएसए ने ले ली या रशिया ने ले ली तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। तो सऊदी अरेबिया तो फिर भी जो है यहाँ पे सप्लाई इसलिए कम नहीं कर रहा था और रशिया भी इसलिए कम नहीं कर रहा था कि यूएसए आके जगह नहीं ले ले, लेकिन सप्लाई अगर कम नहीं करोगे, प्राइसेस बढ़ती चली गई, तो सऊदी अरेबिया तो नुकसान झेल सकता है, अपना मार्केट शेयर तो नहीं दे सकता, नुकसान भी झेल सकता है क्योंकि मार्केट शेयर ज़्यादा महत्वपूर्ण है इसके लिए। लेकिन यूएसए जो ओपेक का मेंबर नहीं है, अब बोलोगे क्यों नहीं है, क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट करता है फिर भी, क्योंकि ये इतना एक्सपोर्ट नहीं करता, उतना क्राइटेरिया मैच नहीं करता और ओपेक की पॉलिसीज़ को भी मानना पड़ता है, चाहे कितना भी क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट करो। जैसे रशिया जो नॉन ओपेक कंट्री है, ओपेक प्लस कंट्री जिसको बोलते हैं, अजरबैजान और जाने कितनी कजाकिस्तान कितनी कंट्रीज हैं, आपको मैंने कल बताया था, टेलीग्राम पे पोस्ट भी है, याद रखिए, सर्च कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल पे ओपेक कंट्रीज, ठीक है। तो रशिया क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट करता है लेकिन ओपेक की जो पॉलिसीज़ हैं उनके क्राइटेरिया उनको नहीं मानता, इस वजह से नॉन ओपेक कंट्री है ये। तो यूएसए तो अभी कुछ ही एक्सपोर्ट करता है तेल और उसकी कंपनियाँ इतनी जो है प्रॉफिटेबल नहीं होती, इतनी ज़्यादा नहीं है कि खुद को सस्टेन कर पाए। तो सप्लाई ज़्यादा है, सऊदी अरेबिया कम नहीं करे तो प्राइसेस और भी कम होती जाएंगी और यूएसए को नुकसान होएगा, यूएसए मार्केट से बाहर निकल जाएगा। तो यूएसए आ रहा है, कह रहा है सऊदी अरेबिया के पास जाके कि भैया हम भी सप्लाई कम करते हैं, आप भी सप्लाई कम कर दो प्लीज़, क्योंकि इससे प्राइसेस बढ़ जाएंगी। चलो बढ़ेगी नहीं तो कम तो नहीं होएंगी ना, प्रॉफिट तो मिलेगा, क्योंकि किसी चीज़ की अगर ऑब्वियसली बात है, अगर जैसे हमारे प्याज वगैरह टमाटर जो मेरे आलू है इनकी सप्लाई अगर किसी कम रहती है किसी समय तो प्राइसेस बढ़ जाती हैं या गिरती तो नहीं है, वैसे ही जो है यहाँ पे। लेकिन रशिया नहीं माना, रशिया को पता है कि हमने जैसे ही कम किया और यूएसए ने अपना शेयर बढ़ा दिया तो इसको कहते हैं एग्रीमेंट कि सबके सब मिलके कम कर दो, रशिया मान नहीं रहा था। अब देखते हैं क्या होता है किस तरीके से। तो आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से प्रोसीजर चलता है ओपेक के बारे में, जो ओपेक की कंट्रीज और ओपेक के जो मेंबर्स हैं फाउंडिंग मेंबर, मैंने आपको बताई थी शॉर्ट ट्रिक बताई थी फाउंडिंग मेंबर याद करने की, विस्की बताई थी मैंने आपको, ठीक है, वो याद रखना, वेनेजुएला, इराक, सऊदी अरेबिया, कजाकिस्तान और इराक शायद, एक बार चेक कर लेना ओपेक कंट्रीज़ का, ठीक है, मुझे याद नहीं है, टेलीग्राम चैनल पर चेक कर लेना एक बार। तो ओपेक कंट्रीज जो हैं इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, और फाउंडिंग मेंबर के लिए विस्की जो टर्म है आप देखेंगे वो मैच हो जाएगा जब भी आप फाउंडिंग मेंबर्स पढ़ेंगे। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे काम चलता है पूरी तरीके से। अच्छा, वाई मस्ट कोविड-19 क्लस्टर्स बी आइडेंटिफाइड, क्लस्टर्स को आइडेंटिफाई क्यों करना है, क्लस्टर यानी एक साथ ग्रुप जो है वो इन्फेक्ट हो गए, ज़रूरी इसलिए क्योंकि केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और अभी जो किस्सा सामने आया निजामुद्दीन जो किस्सा सामने आया उसकी वजह से जितने ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं तो उनको ट्रैक करना ज़रूरी है क्योंकि इससे इन्फेक्शन रेट जो है फैल जाती है। हालांकि इन ट्रेस करना कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बहुत ही डिफ़िकल्ट होती है और सर अलग अलग राज्यों के अलग अलग मेथड होते हैं, अलग अलग मेजर होते हैं, कोई राज्य ज़्यादा तेज़ी से कर पाता है, कोई राज्य में इतनी मैन पावर नहीं होती, लेकिन करना ज़रूरी है तभी ये वायरस रुक सकता है। वरना देखो धर्म की बात नहीं है,
वो जमात वाले जो लोग हैं वो मुसलमानों को भी कर सकते हैं, हिंदू को भी कर सकते हैं, सिख को भी कर सकते हैं। तो एक पूरे देश की चिंता करते हुए इन लोगों की सबकी कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग करनी ज़रूरी है। और कई बार ये देखा गया कि जो लोग हैं तरह तरह के वो अपना कॉन्टैक्ट देने से मना कर देते हैं कि वो किस किस से मिले। तो एक देश के प्रति जिम्मेदारी निभाइए, डिपेंड नहीं करता कि आप जो कोई से भी धर्म के हो, आपको अपने देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहे हैं। अपने कहाँ कहाँ गए, अपनी जैसे कनिका कपूर थी, उन्होंने जो है अपनी जो है पार्टियों में शामिल हो गई और जाने कहाँ कहाँ वे चली गई। तो एक तरीके से देश के प्रति जिम्मेदारी निभाइए, अपनी इन्फॉर्मेशन दीजिए और बाहर तो बिल्कुल भी मत निकलिए। और सरकार कोशिश ये करे कि मजदूरों को जल्द से जल्द जो पैकेज अनाउंस किया है वो पैसा उनके खाते में पहुंच जाए। कई जगह मैं देख रहा हूँ कि मजदूर जो हैं और जो गरीब लोग हैं उनके पास खाना अभी तक नहीं पहुंचा। 4, 5, 6, 7 कितने दिन हो गए अभी तक, काउंट कर लो लॉकडाउन से। इतने दिन कोई भूखा जिंदा रह सकता है? हाँ, उनको पड़ोसी वगैरह कुछ दे दिए होंगे, कुछ होते हैं बहुत अच्छे इंसान होते हैं जो अपने पड़ोसियों को पैसे तक दे देते हैं और गरीब जो लोगों को खाना बांट रहे हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार को भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करना पड़ेगा। देश साथ में आए, सरकार साथ में आए, जनता साथ में आए। 130 करोड़ जो हमारे लोग हैं इनकी पावर बहुत ज़्यादा है, इसलिए आज जो है हमको साथ आने का यहाँ पे ज़रूरत है। क्लस्टर्स भी ऐसे ही आइडेंटिफाई होंगे जब लोग आपस में अपनी जानकारी देंगे। तो गाइस ये थी हमारी वीडियो, और कोई इन्फॉर्मेशन जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मेरे को इस आर्टिकल में निकलती है बताने के लिए, वो इन्फॉर्मेशन सीधे सीधे मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा। जैसे मैं क्रू रोल कितने तरह के होते हैं वो मैं डाल दूँगा, अच्छी वॉइस पे आप देख सकते हैं, ठीक है। सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मैं करंट अफेयर्स के लिए डालता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल।